आइए अब इन्हीं अशार के साए में एक मेहमान शायर को आप हजरात की समातों के हवाले करने जा रहा हूँ, और वो मेहमान शायर पहली बार इस जश्न में इस मकाम पर शिरकत कर रहा है, और जो जिसके बारे में मौलाना आबिद रज़ा साहब ने भी वजाहत की कि एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। जनाबे फसाहत साहब से गुजारिश है, जो खनवाई से तशरीफ़ ले आए हैं, नारा सलवार से आप हज़रात खैर मुकदम। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। आप तमाम लोगों की खिदमत में और वक्त के इमाम इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आज इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़ने में जुड़कर आप हजरात चार मिसरे पेश खिदमत हैं। दिल की धड़कन को संभलने का इशारा दे दे, दिल की धड़कन को संभलने का इशारा दे दे, चश्मे बेकल को मदीने का नजारा दे दे, फख्र के साथ उसे ताज समझ कर पहनूं, फख्र के साथ उसे ताज समझ कर पहनूं, ऐ खुदा पाए मोहम्मद का उतारा के साथ उसे ताज समझ कर पहनूं, ऐ खुदा पाए मोहम्मद का उतारा दे दे, ऐ खुदा पाए मोहम्मद का। सलवात पढ़ते हैं जिनके आप हज़रात, एक मतलब दो शेर और हाजिर खिदमत करता हूँ। अलहदा फरमाए, जुल्म को जुल्म की औकात बताने के लिए, जुल्म को जुल्म की औकात बताने के लिए, जुल्म को जुल्म की औकात बताने के लिए, एक शब्बीर ही काफी है जमाने, बताने के लिए एक शब्बीर ही काफी है।
जमाने के लिए हो सलाम आप पे, ऐ मस्जिद कूफा के शहीद हो सलाम आप पे, ऐ मस्जिद कूफा के शहीद हो सलाम आप पे, ऐ मस्जिद कूफा के शहीद हौसला चाहिए कातिल को जगाने चाहिए कातिल को जगाने के लिए हौसला चाहिए कातिल को, हुर मुबारक हो तुम्हें मिल गया रुमाले बुतू, हो तुम्हें मिल गया रुमाले बतूल, हुर मुबारक हो तुम्हें मिल गया रुमाले बतूल, और क्या चाहिए तकदीर बनाने बनाने के लिए, और क्या चाहिए तकदीर हो सलाम आप पर, ऐ मस्जिद कूफा के शहीद हो सलाम हौसला चाहिए कातिल को जगाने के लिए हौसला चाहिए कातिल को, सलवा पढ़ने में जुल कर आप हज़रात सलवा तौर पढ़ने में जुल कर आप हज़रात चार जो बख्श दे हयात किसी को कजा के बाद, मिलता है ये कमाल अली में खुदा
के बाद मिलता है ये कमाल अली में खुदा के बाद चादर में सैयदा के 72 ही क्यों लगे पेवंद का ये राज खुला कर बना के बाद पेवंद का ये राज खुला कर बना के बाद दे हयात। एक सलवात पढ़े में जुलकर आप एक सलवात और पढ़े में जुलकर आप एक मतलब दो तीन शेर शेर दिल खातून अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बादे हुसैन अब्बास बनी और बादे हुसैन हुसैन बन के जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दीन की जो हिफाजत की है और ख़ुद एक इमाम को जलते खैमों से बचा के लाई है उसे ज़ैनब कहते हैं। उस शहज़ादी की शान में एक मतलब दो तीन शेर मैं हाज़िर ख़िदमत करता हूँ, उसके बाद फिर तरही कलाम में पेश ख़िदमत कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ना मिल कर आप एक सलवात और पढ़ना मिल कर आप देखें तो मतलब ये मेरा इंतखाब है ज़ैनब ये मेरा इंतखाब है सवाब है ज़ैनब जिसकी खुशबू पहे हुसैन लिखा जिसकी खुशबू पहे हुसैन लिखा वो अनोखा गुलाब है ज़ैनब वो अनोखा गुलाब है ज़ैनब मजलिसे शाह करबलाई पर दम से शबाब है ज़ैनब फर्श मातम बिछा है जिंदा में फर्श मातम बिछा है जिंदा में देख लो कामयाब है ज़ैनब देख लो कामयाब है ज़ैनब मशविरा खुद इमाम लेता है कितनी इज्जत माब है ज़ैनब और तर्जुमा जिसका
का लहजा अली के जैसा हो। दुख्तर बू तुराब है ज़ैनब। हासिले कलाम शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। दुख्तर बू तुराब है ज़ैनब, ये भी सदका है तेरी चादर का, ये भी सदका है तेरी चादर का। आज घर घर हिजाब है घर घर हिजाब है ज़ैनब। जुल्म के हर सवाल का तन्हा एक मुकम्मल जवाब है फसाहत यजीद। हार गया तू मगर कामयाब है। सलवात पढ़ने में जुलकर आप हजरात खानदानी दहरा पर एक सलवात का और सहारा दे दें आप हजरात। मतलब दूती शेख की शेख मत कर रहा मतलब पेशे खिदमत करें और समाप्त करें। हक पे तेरे होने की ये भी एक निशानी है। हक पे तेरे होने की ये भी एक निशानी है। हक पे तेरे होने की ये भी एक निशानी है। कुफर ने तेरे आगे अपनी हार मानी है। रख दिए कदम अपने जिस जगह पयंबर ने, रख दिए कदम अपने जिस जगह पयंबर ने, उस जमी का हर जर्रा अब भी ज़ोफ़शानी है। उस जमी का हर जर्रा दीन की हुकूमत तो दो जहां में है, लेकिन दीन की हुकूमत तो दो जहां में है, लेकिन खाने अबू तालिब इसकी राजधानी है। तालिब इसकी राजधानी है। सादिको मुजम्मिल हो ताहा या मुदसिर हो,
मुदासिर हो, हर लकब मेरे आका तेरा आसमानी है, हर लकब मेरे आका तेरा आसमानी है। नूर के शहनशाह को तू बशर समझता है, जहल के पेसर तेरी फिक्र चार आनी है, जहल के पेसर तेरी फिक्र चार आनी है। जानशीन अहमद को चौथा कह रहे हो तुम, ये गदीरी एला से साफ छेड़खानी है, बंद कर दो मेरे भाई, उसी जगह पे बैठ जाइए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आलम खान, एक सलवात पढ़ दे मिल कर आप हजरात। जहल के पेसर तेरी फिक्र चार आनी है, जानशीन अहमद को चौथा कह रहे हो तुम, ये गदीरी एला से साफ छेड़खानी है। ये विषय मुलादा करें, अलकमा का दावा है दो जहां वजू कर ले, अलकमा का दावा है दो जहां वजू कर ले, दस्ते शेर हैदर में आज इतना पानी है, दस्ते शेर हैदर में आज इतना पानी है। अलकमा का दावा है जहां वजू कर ले, अलकमा का दावा है दो जहां वजू कर ले, दस्ते शेर हैदर में आज इतना पानी है। दस्ते शेर हैदर में आज इतना पानी है, कुफर आज बेबस है सिर्फ सोच कर इतना, जाफर ओ पयंबर से दी की जिंदगानी है, की दुनिया में नाम है फसाहत का, ये भी ऐ अबू तालिब तेरी मेहरबानी है, ये भी ऐ अबू तालिब तेरी मेहरबानी है। एक सलवात और पढ़ा, पानी ना पी, दो तीन शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ, समाप्त करें।
इस सलवात का सहारा और दे दें आप हज़रात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي العبادة يا رب قبول कर ये सुखनवर की बात है या रब कबूल कर ये सुखनवर की बात है जर्रे के लब पा मेहरे मुनव्वर की बात है ये हुक्म रब है ये हुक्म रब है एक को नहीं सबको सुना दीजिए नबी ये हुक्म रब है सबको सुना दीजिए नबी आई निदा ये मर्जी ये दावर की बात है आई निदा ये मर्जी ये दावर की बात है गदीरी मजमा इंशाल्लाह बोलेगा दोनों हाथ बुलंद करके इसलिए कि रसूल ने तनहा एक हाथ से नहीं उठाया था दोनों हाथ से मौलाए कायनात को बुलंद करते हैं इंशाल्लाह हज़रात बोलेंगे एक सलवात पढ़ दें मिलजुल कर ये हुक्म रब है सबको सुना दीजिए नबी आई निदा ये मर्जी ये दावर की बात है मलकुन तो मौला हो बहाज़ालियुल मौला मलकुन तो मौला कह के ये कहने लगे नबी मलकुन तो मौला कहे के ये कहने लगे नबी मिंबर पर आज साहेब मिंबर की बात है साहेबे मिंबर की बात है कायनात में रहने वाला हर वो इंसान जो दर अली से दूर है वो भटकते ही रहेगा इसलिए कि रसूल का जो फरमान है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ अला जिब्रील आओ मधा में मेरी मदद करो जिब्रील आओ मधा में मेरी मदद करो जिब्रील आओ मधा में मेरी मदद करो ये बाब शहर इल्म पयंबर की बात है ये बाब शहर इल्म पयंबर की बात है नबी तो कम है
इबादत दो जहां तौले नबी तो कम है इबादत दो जहां तौले नबी तो कम है इबादत दो जहां ये तो बस एक ज़रबत हैदर की बात है बस एक ज़रबत हैदर की बात है शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार लापता इल्लाली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार तेगे अली का वज़न तो बतलाओ जिब्राइल तेगे अली का वज़न तो बतलाओ जिब्राइल तेगे अली का वज़न तो बतलाओ जिब्राइल अंदाज़ा इसका आपके शह पर की बात है अंदाजा इसका आपके शह पर की बात है मौला मुझे फसाहत अल्फाज दीजिए कतरे के लब पा आज समंदर की बात है।